तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मल्टी टैलेंटेड में। तो दोस्तों आज हम जो दो बाइक को कंपेरिजन करने वाले हैं वो है कावासाकी Z900 और एक है KTM 790 ड्यूक। तो दोस्तों कंपेरिजन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को ऑल पे सेट करके मल्टी टैलेंटेड फैमिली में एंट्री हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कंपेरिजन। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो कावासाकी Z900 का प्राइस है 8.34 लाख एंड KTM 790 ड्यूक का प्राइस है 8.64 लाख। प्राइस के मामले में कावासाकी Z900 थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इंजन के बारे में। तो कावासाकी Z900 में आपको 948 cc 4 सिलेंडर 16 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है एंड KTM 790 ड्यूक में आपको 799 cc 2 सिलेंडर 8 वाल्व 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो इंजन के मामले में Z900 में आपको ज़्यादा बड़ा इंजन मिल जाता है एंड 2 सिलेंडर ज़्यादा मिल जाता है एंड 8 वाल्व ज़्यादा मिल जाता है। तो कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करते हो दोनों ही बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाता है। तो अब बात करते हैं पावर एंड टॉर्क के बारे में। तो कावासाकी Z900 में आपको पावर मिल जाता है 123.6 bhp 9500 rpm पर एंड टॉर्क मिल जाता है 98.6 Nm 7700 rpm पर एंड KTM 790 ड्यूक में आपको पावर मिल जाता है 105 bhp 8500 rpm पर एंड टॉर्क मिल जाता है 87 Nm 8000 rpm पर। तो पावर एंड टॉर्क के मामले में कावासाकी Z900 ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं टैंक कैपेसिटी एंड माइलेज के बारे में। तो कावासाकी Z900 में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 17 लीटर का एंड माइलेज मिल जाता है 16 kmpl का एंड KTM 790 ड्यूक में आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 14 लीटर का एंड माइलेज मिल जाता है 22.7 kmpl का। तो टैंक कैपेसिटी के मामले में कावासाकी Z900 ज़्यादा अच्छा है एंड माइलेज के मामले में KTM 790 ड्यूक ज़्यादा अच्छा है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो कावासाकी Z900 में आपको ड्यूल चैलेंज ABS के साथ फ्रंट में 300mm 4 पिस्टन ड्यूल डिस्क मिल जाता है एंड रियर में 250mm 1 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है एंड KTM 790 ड्यूक में आपको ड्यूल चैलेंज ABS के साथ फ्रंट में 300mm 4 पिस्टन ड्यूल डिस्क एंड रियर में 240mm 2 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है। तो ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक लगभग सिमिलर है क्योंकि KTM में आपको 1 पिस्टन ज़्यादा मिल जाता है, वहीं पर कावासाकी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डिस्क मिल जाता है रियर में। लेकिन फिर भी KTM में आपको ब्रेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, उसके कारण मैं बाद में बताता हूँ। तो अब बात करते हैं वेट एंड सीट हाइट के बारे में। तो कावासाकी Z900 में आपको वेट मिल जाता है 212 kg का एंड सीट हाइट मिल जाता है 800mm का एंड KTM 790 ड्यूक में आपको वेट मिल जाता है 169 kg का एंड सीट हाइट मिल जाता है 825mm का। तो वेट के मामले में KTM 790 ड्यूक ज़्यादा अच्छा है और इसी कम वेट के कारण KTM 790 ड्यूक में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं टॉप स्पीड एंड 0 to 100 के बारे में। तो कावासाकी Z900 में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 253 km/h का एंड 0 to 100 km/h का स्पीड पकड़ लेते हैं 3.70 सेकेंड में एंड KTM 790 ड्यूक में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है 235 km/h का एंड 0 to 100 km/h का स्पीड 3.3 सेकेंड में मिल जाता है। तो टॉप स्पीड के मामले में कावासाकी Z900 ज़्यादा अच्छा है एंड 0 to 100 के मामले में KTM 790 ड्यूक ज़्यादा अच्छा है। तो अब बारी आता है साउंड का, जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। तो सुन लीजिए इन दोनों बाइक का। कौन सा बाइक का साउंड अच्छा है वो डिसीजन आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोगों को जाके बताना पड़ेगा कौन सा बाइक का साउंड आपको अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारा कंपेरिजन खत्म होता है, आप आता है रिजल्ट में। तो अगर आपको कम प्राइस में इनलाइन 4 सिलेंडर का साउंड एंड ज़्यादा अच्छा टॉप स्पीड चाहिए तो आपको कावासाकी Z900 लेना चाहिए और अगर आपको ज़्यादा अच्छा माइलेज चाहिए और एक कम वेट का बाइक चाहिए एंड 0 to 100 km/h का स्पीड ज़्यादा जल्दी पकड़ ले ऐसा बाइक चाहिए तो आपको KTM 790 ड्यूक लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है यार।
लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से जो मोटिवेशन मिलेगा मुझे, उस मोटिवेशन के कारण मैं ऐसे ही वीडियो हजारों बना सकता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और मल्टी टैलेंटेड फैमिली में आपका स्वागत है। तो गुड बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।